నమోరియంతాణం నమో సిద్ధాణం నమో ఆర్యాణం నమో వచ్చాణం నమో లోయే త్రికాళవర్తి సవసామణం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గడి మంగళం కుందకుందారియో జైన్ ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళ్య మంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణం జైనం జయతు శాసనం ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగిన కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమ నమ సమయ సారాయ స్వానుభూత్యా చకాస్తే చీ స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతర్చితే అజ్ఞాంతిమిరాంధానాం జ్ఞానాజన్ శలాకయ చక్షురుణ్మిలితమ్యనం తస్మే శ్రీ గురువే నమ ఆత్మజ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాదన్యత్ కరోతి కిం ప్రభావస్య కర్తాత్మా మోహయం వ్యవహారిణం మంగళమయ మంగళకరణ వీతరాగ విజ్ఞాన నముతై జాతే భయ హరియంతాది మహాన్ ఓం నమ సిదేభ్య నమ సిదేభ్య నమ సిదేభ్య. మహావీర పరమాత్మా కే శాసన మే కుంకుం ఆచార్య భగవాన్ కి ఆమ్నాయ మే అమృతచంద్ర ఆచార్య భగవాన్ కి పరంపరా మే శాసన సమ్రాట్ పూజ్య గురుదేవ్ శ్రీ కే మంగళ సాన్నిధ్య మే జగత్ కే అతి ఆసన్ భవ్య జీవ భగవాన్ ఆత్మా కీ బాత్ సున్కర్ ఉత్సాహిత హోతే హై ఆహ్లాదిత హోతే హై ఔర్ ఉస్ ఉత్సాహ ఔర్ ఆహ్లాద కే అందర్ మే స్వభావ కా లక్ష్ కర్ లే తో తత్ సమయ సమ్యక్ దర్శన్ హో జాతా హై. ఇతనా స్పష్ట విధాన అనాదికాల్ సే జీవ కో హువా నీ. ఏక ఏసా అధ్యాత్మ యుగ్ ఆయా జిస్ యుగ్ నే యుగాంతరో కీ జో విపరీత స్థితి థీ ఉస్కో పలట్ ది ఔర్ పలట్ కర్ ఏక్ మాత్ర జై ఘోష్ కియా కే సభీ జీవ్ భగవాన్ ఆత్మా హై. నిఘోష్ సే లేకర్ సిద్ధ తక్ सभी जीव परिपूर्ण परमात्मा है ऐसा जय घोष करते हुए बाहर देखे तो भी सभी को भगवान आत्मा और अंदर देखे तो अपना भगवान आत्मा ये देखने का विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया. उसने यह कहा कि जो जीव पर की ओर देखता है वो भिखारी है, जो जीव भगवान की ओर देखता है वो भक्त है, और जो जीव अपनी ओर देखता है वो भगवान है. क्या संदेश विश्व को, अपनी ओर देखे सो भगवान, बाकी भिखारी और भक्त. जैन शासन का हृदय शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा 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 इतनी ही वस्तु व्यवस्था है. ये बात को समझाकर ये बात का जय घोष करके इस विषय की स्पष्टता करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बात कही है मंगल है, अलौकिक है, अभूतपूर्व है. ये बात जिसको समझ में आती है उसको सोगानी जी की ये बात जो अपने अगले रविवार को चली थी, मुक्ति और बंध में कोई भेद नहीं है. 516 नंबर का बोल बहुत ही मार्मिक बोल है. यदि ये बोल समझ में आ गया तो जैन दर्शन समझ में आ गया. अनादिकाल से अपन ने बंध से छूटना चाहा और मुक्ति को प्राप्त करना चाहा, जबकि स्थिति कुछ इससे विपरीत ही है. स्थिति यह है कि मैं परिपूर्ण मुक्त स्वरूपी परमात्मा हूं, बंध और मुक्ति दोनों में कोई अंतर नहीं है. पर्याय के अंदर में बंद होता है तो पर्याय के अंदर में मुक्ति होती है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, द्रव्य में बैठकर देखा जाए, द्रव्य में जमकर देखा जाए, द्रव्य के लक्ष्य से देखा जाए, द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य के नजर से देखा जाए तो पर्याय होती है. फिर उस पर्याय के अंदर में बंद हो या मुक्ति, मेरे को क्या अंतर पड़ता है? उस पर्याय के अंदर में निगोद दशा हो या सिद्ध दशा, क्या अंतर पड़ता है मेरे को? शुद्धात्मा को क्या अंतर पड़ता? यदि कोई अंतर नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता.
प्रभु ये बात को समझ ले एक बार नाथ, सारी बात जैन दर्शन की समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है। जीव को आश्चर्य लगता बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है। बंध माने संसार, बंध माने चार गतियों के अंदर में परिभ्रमण, बंध माने 84 लाख योनियों के अंदर में परिभ्रमण, कभी नरक कभी निगोद कभी देव कभी मनुष्य, उसे परिक्रमा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, इसको कहते हैं बंध। और उससे मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्ति हो जाए, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए, वो है मुक्ति। ये दोनों के बीच में अंतर नहीं, बंध के अंदर में पूर्णतया दुख और मुक्ति के अंदर में पूर्णतया सुख, और फिर भी इसमें कोई भेद नहीं। ये क्या रहस्य है इस बात का, क्या हृदय है इस बात का कि प्रभु तू शुद्धात्मा की ओर देखता ही नहीं है। जो शुद्धात्मा अनादि अनंत स्वभाव से शुद्ध है, जिस शुद्धात्मा को शुद्धता की अपेक्षा नहीं है, जिस शुद्धात्मा को मोक्ष की अपेक्षा नहीं है, जिस शुद्धात्मा को संसार के अभाव की अपेक्षा नहीं है, कैसा होगा यह शुद्धात्मा? अपने स्वभाव से संपूर्णतया निरपेक्ष बने, अनंत शक्तियों से लबालब भरा पड़ा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परम पारिणामिक भाव, ऐसा पंचम भाव, उदय उपशम सर्वसम साहिक भाव से निरपेक्ष, माने संसार और मोक्ष की जहां पे चर्चा ही नहीं है, ऐसा अपना स्वभाव, ऐसा अपना स्वरूप, ऐसी अपनी वस्तु, ऐसी अपनी अंतरंग व्यवस्था, इसको यदि एक बार समझ लिया जाए तो मोक्ष यहां पर है, सिद्ध शिला पे मोक्ष नहीं है। प्रभु पर हमेशा सिद्ध शिला पे मोक्ष को देखा, कहा मोक्ष है तो के सिद्ध शिला पे, लोक के अग्रभाग में। प्रभु नहीं है वहां पे मोक्ष, मोक्ष यहां पे है। देख तू प्रभु एक बार यहां पर, जो स्वरूप ही शुद्ध है, स्वरूप ही परिपूर्ण है, जिसके अंदर में कोई आदान प्रदान की कोई व्यवस्था ही नहीं है, आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है, परिणमने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, पलटने की कोई व्यवस्था नहीं है, बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक रूप अनादि अनंत एकाकार रहने वाली वस्तु, ऐसा अपना स्वभाव, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परमात्मा तत्व, उसकी समझ ही नहीं पड़ी तो संसार से छूटने का अभिप्राय और मुक्ति को प्राप्त करने का अभिप्राय, बस इस अभिप्राय के अंदर में क्या है, शुभ भावों का जत्था बनते गया बनते गया, द्रव्यलिंगी मुनिपना आ गया, नौमी ग्रवेक तक चला गया, क्या हुआ उससे? फिर वहां से गया निगो, गुरुदेव से तो कहते थे अनादि काल से जिसने अपने शुद्धात्मा को नहीं पहचाना, निगोद उसका पियर है, पियर मई का है, क्योंकि नियम ही ऐसा है, तूने स्वभाव को नहीं पहचाना तो तुझे जाना तो निगोद में है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 सागरों को, उसके बाद में पर्याय चली जाएगी, त्रस पर्याय, और कितने काल तक निगोद में रहेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है प्रभु। क्यों? क्योंकि बंध और मुक्ति में भेद देखता रहा और अभेद परमात्मा की ओर लक्ष्य नहीं किया। भगवान आत्मा तो अभेद परमात्मा है, एक रूप परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है, माने जिसको परमात्मा होना नहीं है, जो परमात्मा है, अभी परमात्मा है, अभी भगवान, इस वक्त भगवान। देखिए कितने आनंददायी समाचार है, कितने मांगलिक समाचार है, जिस समाचार की समझ ही आज तक नहीं आई। बस अब मुक्ति होती कैसे, तो आत्मा के लक्ष्य से, तो मुक्ति हो जाए उसलिए आत्मा का लक्ष्य करने का प्रयत्न करता रहा। अब आत्मा का लक्ष्य होए तो क्यों होए? आत्मा का लक्ष्य तो उसको होता है जो अपने को आत्मा समझता, शुद्धात्मा समझता, अपने को भगवान आत्मा समझता, उसकी दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर जाती है।
जिसको मुक्ति के लिए भगवान आत्मा की दृष्टि करनी है, उसके अभिप्राय के अंदर में तो मुक्ति है, उसके अभिप्राय के अंदर में मुक्ति है, तो उसके अभिप्राय के अंदर में अभी आत्मा बंधा हुआ है। जो आत्मा अनादि अनंत अबद्ध है उसको माना बंधा हुआ, तो ये तो भयंकर अपराध है अपने शुद्धात्मा का, जिस अपराध की उसको आज तक समझ ही नहीं हुई। जो वस्तु अबद्ध है, पर अबद्ध नहीं, अबद्ध स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट पन अबद्ध है, जो कभी बद्धता नहीं है, उसको बंधा हुआ माना, और बंधा हुआ माना, बंध का अभाव करके मुक्ति करना चाह, तो बंध भी पर्याय और मुक्ति भी पर्याय, तो अभिप्राय में क्या रहा? मैं परमात्मा हूं ऐसा छल रहा, ऐसा कपट रहा, तो बोलता रहा मैं परमात्मा हूं, क्योंकि इसमें परमात्मा हूं इसके लक्ष्य से मुक्ति होती है, लेकिन मैं मुक्त हूं ये बात तो रही नहीं, अबद्ध हूं ये बात तो रही नहीं, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति ये बात तो रही नहीं, नित्य उद्योतमान ये बात तो रही नहीं, माने शुद्धात्मा ही नहीं रहा, तो अभिप्राय के अंदर में तो पर्याय ही पर्याय रही, और जब अभिप्राय के अंदर में पर्याय ही पर्याय रही, तो कितना ही प्रयत्न कर ले, कितना ही प्रयत्न कर ले, पर्याय दृष्टि मूढ़ दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। उसको लगता है कि मैंने तो बस जगत से निवृत्ति ले ली, प्रवृत्तियों से निवृत्ति, व्यापार से निवृत्ति, परिवार से निवृत्ति, समाज से निवृत्ति, घर बार छोड़ के जंगल चला गया, सब कुछ छोड़ के, वस्त्रों से निवृत्ति, खान पान से निवृत्ति, एक आत्मा 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 करता रहा, लेकिन क्यों करता रहा आत्मा आत्मा? मोक्ष पाने के लिए। अशुद्धता है और अशुद्धता को टालने के लिए। अशुद्धता है तो उसका मतलब शुद्धता नहीं है, शुद्ध नहीं है। अशुद्धता है ना, तो अशुद्धता को टालकर शुद्धता प्रकट करनी है। अशुद्धता है तो उसका मतलब ये होता है कि शुद्ध नहीं है, फिर मैं हूं एक शुद्ध सदा रूपी बात ही नहीं रही, क्योंकि देखिए उसमें मैं एक शुद्ध सदा रूपी मैं के अंदर में एक है और शुद्ध है, एक है, अनेक है ही नहीं उसके अंदर में, अनंत है ही नहीं उसमें, अनंत एकमय है, या तो अनंतमय एक है, तो ऐसी वस्तु है वो तो शुद्ध है, वो तो मानता है कि मैं अशुद्ध हूं, तो अशुद्धता तो पर्याय के अंदर में, द्रव्य के अंदर में शुद्ध स्वभाव भरा पड़ा, तो अशुद्ध हूं तो कहां अपनापन हुआ, द्रव्य में न पर्याय में, पर्याय में, जब पर्याय में मैं अशुद्ध हूं ऐसा अभिप्राय है, तो न समयसार को सुना, न कुंकुन आचार्य देव को सुना, न अमृतचंद्र आचार्य देव को सुना, न गुरुदेव को सुना, एक शुद्ध सदा रूपी बात तो रही नहीं उसके अंदर, एक शुद्ध ममत्वहीन बात तो रही नहीं इसके अंदर। अपन लक्ष्य आत्मा का करना चाहते हैं और अभिप्राय के अंदर में पर्याय है, जिनके अभिप्राय के अंदर में पर्याय है वो लाख प्रयत्न कर ले, करोड़ प्रयत्न कर ले, अनंत प्रयत्न कर ले, वो पर्याय दृष्टि ही कहलाएगा। उस दिन सुगानी जी साहब ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मारा, क्या मारा? बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं है, बंध और मुक्ति में भेद नहीं है, और तुझे भेद दिखता है, बंध और मुक्ति दोनों एक समान दिखता है, पाप और पुण्य दोनों एक समान नहीं दिखता, पाप खराब और पुण्य भला, अशुद्धता खराब और शुद्धता भली, बंध खराब और मुक्ति अच्छी, तो दृष्टि के अंदर में तो भेद ही भेद है, जबकि यहां पे कहते बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं है, दोनों एक समय मात्र के परिणाम है, एक समय मात्र के परिणाम, समय मात्र के परिणाम, कैसे उसमें भेद देखूं मैं?
सुगन जी साहब को, गुरुदेव को, आचार्य भगवान तो बोलते, हमारे पास में ऐसी कोई चक्षु ही नहीं है परियार्थिक, जिससे इसके अंदर मैं शुद्ध और अशुद्ध ऐसा भेद देखूं, बंद और मुक्ति ऐसा भेद देखूं। भेद हमें दिखता ही नहीं। उसको कहते हैं स्वभाव की गरिमा, उसको कहते हैं स्वभाव की महिमा, उसको कहते हैं स्वभाव की अपूर्वता। ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व की अपूर्वता कभी आई ही नहीं। हूं छु आत्मा परमात्मा गाता रहा लेकिन भाव नहीं समझा। प्रभु अब तो जाग नाथ जाग, अब जागने के अवसर आए। सो मत, अनादि काल से तू सोया हुआ है प्रभु, अभी ऐसा जाग के फिर सोने का वारी नहीं है। क्योंकि जीवता जागता प्रभु यहाँ पर अंतरंग में बैठा है। नित्य उद्योत्मान, देखिए छठी गाथा में क्या कहा, नित्य उद्योत्मान, नित्य नित्य मन त्रिकाल, उद्योत्मान मन प्रकट, त्रिकाल प्रकट है भगवान आत्मा। तू कहता है अप्रकट है, अप्रकट है तो प्रकट करना है, तिरुभूत है तो आविर्भूत करना है। ये करने का भूत तेरे दिमाग से उतरता नहीं प्रभु, और जब तक करने का भूत यानी कि कर्ता बुद्धि का भूत नहीं उतरेगा, तब तक अकर्ता स्वभाव के ऊपर आएगा ही नहीं। जो पर्याय में बैठा रहेगा उसको कर्तृत्व का बोझा रहेगा, रहेगा और रहेगा। बंद और मुक्ति के अंदर में भेद दिखता है तो उसको मुक्ति चाहिए, चाहिए ना, चाहिए मन इच्छा, चाहिए मन परिग्रह, चाहिए मन निष्प्र भगवान आत्मा का अनादर। क्योंकि तुझे चाहिए लेकिन कहता मैं हूं, अब मैं हूं ये तुझे स्वीकार नहीं है, और तुझे चाहिए मोक्ष, बंद से मुक्ति चाहिए। यहाँ पे कहते बंद और मुक्ति में कोई भेद ही नहीं है। अरे प्रभु पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं, बात गले नहीं उतरती। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य या निकृष्ट में निकृष्ट पाप, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्योंकि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य हो तो भगवान आत्मा में कुछ बढ़ नहीं जाता, और निकृष्ट में निकृष्ट पाप हो तो भगवान आत्मा में घट नहीं जाता। पर्याय के अंदर में घट बढ़ जो भी होता है, द्रव्य में क्या होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। सिद्ध दशा का पूर्ण सुख भगवान आत्मा को छूता नहीं, और निगोद का पूरा दुख भगवान आत्मा को प्रभावित करता नहीं। अत्यंत प्रभावित, अत्यंत प्रभावित रहने वाला अपना भगवान आत्मा, तूने उसकी कभी समझ ही नहीं की प्रभु, उसके बारे में सोचा ही नहीं। बंद और मुक्ति में कोई भेद नहीं है। मैंने एक वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह ऐसा चोट मार देना चाहिए कि जब तक इसका हृदय समझ में नहीं आया तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना। ये 516 से 517 में हमें नहीं जा, ये अभिप्राय होना चाहिए, और जब तक ये अभिप्राय नहीं होगा तब तक तू डटेगा नहीं यहाँ पे। देखिए क्यों ऐसा कहता, बंद और मुक्ति के अंदर में भेद नहीं है, क्यों नहीं है, दोनों एक समय का परिणाम है। और द्रव्य को मुक्त कहना कलंक है। देखिए क्या सुगानी जी की कलम चली है, क्या वाणी निकली है, मैंने अमृत का दरिया पूरा उछल उछाल मारते हुए बाहर निकला। द्रव्य को मुक्त कहना कलंक है। जो परिपूर्ण है उसको मुक्त की चर्चा है कहां पर? जो परिपूर्ण शुद्ध है, परिपूर्ण भगवान है, उसको मुक्त की बात आई कहां से? जिसको बंद है उसको मुक्त होता है, जो अबद्ध है, जो परिपूर्ण है, जो अनादि अनंत है, जो स्वयं ज्योति है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, जो स्वयं सिद्ध है, जिसको सिद्ध होना नहीं है, जो स्वयं सिद्ध है, जिसका उत्पाद नहीं है, जिसको व्यय नहीं है,
उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, अनादि अनंत है, एक रूप है, निरपेक्ष है। प्रभु तो एक बार तो देख कैसी अपनी वस्तु, एक रूप है, अनादि अनंत है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, भगवान है, चैतन्य ध्रुव धाम है, ज्ञान ध्रुव धाम है, कब है? अनादि अनंत, उसको क्या चाहिए? तो क्या मुक्ति चाहिए? क्यों चाहिए कि बंधा हुआ है, बंध से छूटना और मुक्ति चाहिए। प्रभु कौन बंधा हुआ और किसकी मुक्ति? मेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के अंदर में बंध और मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अब जो यह कहता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, उसको भेद नहीं दिखता बंध और मुक्ति का, कि मैं तो भगवान हूं ना, भगवान को क्या बंध और क्या मोक्ष। जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के अंदर में समाधिस्थ हुए, त्रिकाली ध्रुव धाम के अंदर में मग्न हो गए, लीन हो गए, उसको कौन सा बंध और कौन सा मोक्ष? कोई भेद ही नहीं है। उन्हें अच्छा बुरा का छोड़ना और ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं है। संसार को छोड़ना, मोक्ष में जाना, बंध को छोड़ना, बंध का त्याग और मोक्ष का सद्भाव, प्रभु ये भेद है ही नहीं मेरे में। नहीं सुना प्रभु कभी इस बात को, बंध और मुक्ति में भेद नहीं है, बस है नहीं, हमें मोक्ष जाने है, प्रश्न ही नहीं है, हमें बंध से मुक्त होना प्रश्न ही नहीं है। बंध हो या मुक्ति है, हमें उसमें कोई भेद नहीं दिखता, भेद दिखता ही नहीं है। किसी अद्भुत बात, किसी अलौकिक बात, किसी चमत्कारिक बात लगता प्रभु ये चैतन्य चमत्कार कैसा, कोई भेद ही नहीं है। एक बार ये बात समझ में आ जाए कि बंध और मुक्ति में भेद नहीं है, तो सड़सड़ाहट अंदर चला जाए, सड़सड़ाहट, क्योंकि पूर्ण परमात्मा प्रभु भगवान भगवंत, भगवंतों का भगवंत, सिद्धों का सिद्ध, प्रभु का प्रभु, ये रहा विराजमान, एकदम विद्यमान, प्रगटमान, उद्योतमान, प्रकाशमान। प्रभु देख तो सही एक बार, यदि तूने ये स्वीकार किया कि मैं हूं, फिर दूसरी कोई बात ही नहीं रहती। ये तो निरपेक्ष तत्व, कोई भी अपेक्षाओं के बिना का एकदम परिपूर्ण तत्व, परिपूर्ण परमात्मा। परमात्मा होने की बात ही नहीं है, परमात्मा हूं। एक तरफ परमात्मा हूं ऐसा बोले, दूसरे तरफ परमात्मा होने की बात करे, तो दो में से एक बात हो सकती है, या तो परमात्मा हूं या परमात्मा होना है, दोनों बात एक साथ लागू नहीं पड़ सकती। परमात्मा हूं तो परमात्मा हूं, बस खत्म हो गई बात, और परमात्मा होना है तो भिखारी हूं, ये बात समझ में आनी चाहिए। तेरी दृष्टि कहां पे पड़ी है? भगवान होना है तो पर के ऊपर दृष्टि है, भिखारी है, और पर के अंदर में भी पर, और पर के अंदर में भी भगवान, भगवान भी पर, और स्व स्व भगवान। कैसा अद्भुत चमत्कारिक मंत्र नाथ, कभी भी परवाह नहीं की इसकी, सुनने के लिए तू कभी खड़ा नहीं रहा इस बात को, निश्चय की बात, निश्चय की बात, निश्चय की बात करके उड़ा दिया तूने उसको। जिसको ये बात समझ में आ जाती है, उसको द्रव्य को मुक्त कहना कलंक है, कि द्रव्य की मुक्ति हो जाए, द्रव्य में मुक्त हो जाओ, द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से मुक्त हो जाओ,
मुक्त हो जाओ, मैंने बंधा हुआ हूं। कौन बंधा हुआ? मैं बंधा हुआ। फिर वो समय सार का जीव अधिकार खड़ा ही नहीं रहता। शुद्धात्मा का अधिकार खड़ा ही नहीं रहता। प्रभु, तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। हमेशा भगवान बनना चाह, भगवान बनना चाह, भगवान बनना चाह। भिखारी हूं और भगवान बनना, पामर हूं और पवित्र होना। अरे प्रभु, आज तक तू पामर हुआ ही नहीं, रहा ही नहीं। तेरी दृष्टि अन्य जगह पर है, गलत जगह पर है, तो उससे तुझे पामरता दिखती है। दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाए तो भगवान है, इस भगवान है, उसमें से भगवान हूं, ऐसी दृष्टि हो जाए तो इतना ऐसा ही तेरा काम है। फिर उसको परिणाम की कोई परवाह ही नहीं होती, क्योंकि उत्पाद व्यय ही मेरे में नहीं है। जहां उत्पाद व्यय है वहां पे बंध और मुक्ति की बात है, जहां उत्पाद व्यय है वहां संसार और मोक्ष की बात है, जहां उत्पाद व्यय है वहां पे आश्रम संवर की बात है, जहां उत्पाद व्यय है वहां पे पुण्य पाप की चर्चा है, जहां उत्पाद व्यय है वहां पे अशुद्धता और शुद्धता की बात है। लेकिन जो ध्रुव है, एक रूप है, अनादि अनंत है, उसमें कहां कुछ होता जाता है? क्या होता जाता है प्रभु, बताओ आप मेरे। अनादि काल से निगोद में रहा, क्या घट गया है? और अनंत काल तक सिद्ध में रहे बोध जीव, क्या बढ़ गया? सुधार और बगाड़ की बात ही नहीं है। एक रूप रहने वाली वस्तु, टंकोत्कीर्ण अत्यंत अप्रभावित वस्तु, परमात्मा वस्तु। प्रभु, एक बार तो देख अपनी ओर, एक बार देखना तू कौन है और कैसा है और कितना बड़ा है और अपने को तू मानता क्या है। भंडार भरा पड़ा, भंडार और मानता भिखारी, भिखारी बनता फिरता है प्रभु। एक बार स्वभाव की ओर देख लेना, देखिए क्या कहते हैं। बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं है, बंध और मुक्ति में भेद है और भेद को मत देख, ऐसा नहीं कहते। है ही नहीं भेद, क्योंकि बंध और मुक्ति में भेद तो जहां पे उत्पाद व्यय के ऊपर जिसकी दृष्टि है, पर्याय के ऊपर जिसकी दृष्टि है, उसको बंध और मुक्ति दिखती है। स्वभाव के ऊपर जिसकी दृष्टि है, उसको मुक्त स्वभाव ही परमात्मा दिखता है। तेरी दृष्टि कहां पर है? तू नजर कहां पर रखता है? तुझे दिखता क्या है? देखिए दो बात करेंगे, बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं है और भेद नहीं देखते। कौन नहीं देखते? मुमुक्षु जन नहीं देखते, तत्व रसिक जन नहीं देखते, अत्यंत भव्य जीवे नहीं देखते, विज्ञान घन के रसिले पुरुष है वो नहीं देखते। मैंने ऐसा नहीं कि जिसकी मुक्ति हो गई वो नहीं देखते। जिसको तत्व का रस है, तत्वों का नहीं, तत्व रसिक, तत्व एक वचन, तत्व रसिक जन, एक शुद्धात्मा वही तत्व है, बाकी सब अतत्व है, सब अतत्व। एक शुद्धात्मा सो तत्व, बाकी सब अतत्व। एक शुद्धात्मा सो सत, बाकी सब असत। कह दे प्रभु एक बार डंके के चोट पे, डर मत, क्यों घबरा रहा तू उससे? प्रभु, तू घबराता उसलिए कि पर्याय में अपनापन करके बैठा हुआ है। पर्याय जितना अपने को मानना, वर्तमान जितना अपने को मानना, वर्तमान के साथ में बह जाता, साथ में चलित पर्याय के साथ में चलता रहता। प्रभु, एक बार खड़ा रहकर, शांत होकर, विचार कर नक्की करके, हूं एक शुद्ध सदारूपी, कहूं एक अशुद्ध, विचार कर क्या है तू,
बोल तो प्रभु एक बार बोल, या तो कुनकुनाचार्य के साथ चल या कुनकुनाचार्य के विरुद्ध चल। अब कुनकुनाचार्य के विरुद्ध चल माने सारे आचार्य मुनि साधु उपाध्याय सबके विरुद्ध चल, और उसके ऊपर उसके पास में बात आई है तीर्थंकर परमात्मा गणधर परमात्मा से, तो तीर्थंकर गणधर परमात्मा से विरुद्ध चल। तुझे सिद्ध क्या करना, साबित क्या करना प्रभु, तू है कौन? भेद नहीं है तो देखते नहीं है, जिसको भेद दिखता है वो भेद को ही देखते हैं। बंद और मुक्ति दोनों समान समान समान, एक समय की पर्याय प्रभु, एक समय की पर्याय, दोनों पलटती हुई बदलती हुई फिरती हुई उत्पाद होने वाली एक समय की पर्याय है प्रभु। क्यों उसके पीछे पड़ा है, क्यों उसमें अपनापन करके बैठा हुआ है? यदि उसमें अपनापन करेगा तो उसके साथ बहते रहेगा, पानी जैसे बहता है ऐसा पर्याय बहती रहती, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे बहता रहेगा उसके साथ, तब संसार दुख रूप और मोक्ष सुख रूप। अब दुख सुख मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं तो सुखमय परमात्मा हूं, विकल्प निर्विकल्प कुछ है ही नहीं, मैं तो निर्विकल्प वस्तु हूं, मिथ्यात्व सम्यक तो कुछ है ही नहीं, परिपूर्ण शुद्ध वस्तु हूं प्रभु। एक बार खड़ा रहकर देख तो सही ना, तू कौन है, कहाँ है, कैसा है, और तू अपने को देखता क्या है? बात इतनी है कि बंद तथा मुक्ति में भेद नहीं है, इसका अर्थ क्या? द्रव्य दृष्टि से है, पर्याय दृष्टि से नहीं है, पर्याय दृष्टि से है, द्रव्य दृष्टि से नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई नई विविक्षा ही नहीं है। इस अपेक्षा से हम ऐसे, इस अपेक्षा से ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात, बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं है, स्ट्रेट सिंपल स्ट्रांग, वज्र से भी कठिन स्टेटमेंट है, वज्र से भी कठोर, कठिन नहीं कठोर स्टेटमेंट है बिल्कुल। कोई भेद ही नहीं है, भेद नहीं है मैंने दोनों समान है, मैंने दोनों पलटती पर्याय है, बदलती पर्याय, एक समय रहने वाली पर्याय, बंध की पर्याय भी पलटती हुई और मुक्ति हो तो मुक्ति की पर्याय भी पलटती हुई। अब मेरे लिए तो दोनों पर्याय है बस, दोनों एक समय के परिणाम है, मेरे को उसमें से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसके साथ मेरा कोई आदान प्रदान नहीं है। प्रभु सोच ले एक बार नाथ, निर्णय करने से पहले सोच ले एक बार, तूने यदि निर्णय कर लिया कि मैं तो परमात्मा ही हूं और स्वभाव की दृष्टि हो गई, तो फिर बंध और मुक्ति के भेद की चर्चा तू नहीं कर पाएगा। समझ ले इस बात को प्रभु, मान ले इस बात को एक बार, सोच ले कि यदि मैं शुद्ध हूं कि मैं अशुद्ध हूं, दो में से एक बात हो सकती है, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। मैं अशुद्ध हूं तो शुद्ध होने की बात है, मेरे में अशुद्धता है तो शुद्धता प्रकट करने की बात है, और मैं शुद्ध हूं तो शुद्ध हूं, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो मैं शुद्ध हूं, यदि पर्याय में मैं पना किया तो शुद्ध हूं। अब द्रव्य और पर्याय दोनों एक चीज नहीं है, द्रव्य और पर्याय दोनों का क्षेत्र भिन्न है, दोनों की व्यवस्था भिन्न है, दोनों के स्वभाव भिन्न है, स्वभाव भिन्न माने अनादि अनंत भिन्न, कभी भी पर्याय द्रव्य में नहीं आती, अनादि अनंत काल में पर्याय द्रव्य को नहीं स्पर्शती और द्रव्य पर्याय को नहीं स्पर्शता, अलिंग ग्रहण।
एक बार शांत होकर सुन ले पहले तो बात को, फिर इसको गुरुदेव श्री कहते हैं ना, जब पशु गाय की तरह पशु की तरह तो हो जा, खाना मिल जाए तो एक साथ में अंदर ले ले, और फिर अकेले बैठते बैठते वागोलते रहे, वागोलते रहे। प्रभु ये बात वागोलने की है, बात अंतरंग के अंदर में घूट कर पक्की करने की है। बंद और मुक्ति में कोई भेद नहीं है, और जो तत्व रसिक जन है वो भेद देखते नहीं है। आसन भव्य जीवे वो भेद देखते नहीं है, विज्ञान घन के रसीले जीवे वो भेद देखते नहीं है। भी आप सोच लो तत्व रसिक आप हो कि नहीं, आसन भव्य हो कि नहीं, विज्ञान घन के रसीले है कि नहीं। जो विज्ञान घन के रसीले हैं, तत्व रसिक है, आसन भव्य है, वो भेद को देखते नहीं। अनुभव हुआ नहीं हुआ चर्चा ही नहीं है, यहाँ अनुभव की कोई चर्चा ही नहीं है। भेद नहीं है तो भेद देखते नहीं है, बस सीधी सी बात। इसमें अनुभूति हो जाएगी हमें नहीं पता, वो अनुभूति की चर्चा ही नहीं करता। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में, फिर अनुभूति की चर्चा मैं क्यों करूं? माने कंट्रोवर्सियल कुछ चलता नहीं है मार्ग के अंदर। आपको ये बात अत्यंत स्पष्ट समझनी होगी कि परमात्मा तो परमात्मा है, परमात्मा है तो परमात्मा हूं, बस इतनी सी बात। इतना सा मार्ग, इतनी सी व्यवस्था, इतना सा विधान, ऐसी दृष्टि, ऐसी समझ, ऐसा लक्ष्य, तब जाके स्वभाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है। प्रभु बंध से छूटने के लिए और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो द्रव्य की दृष्टि करना चाहता है, उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि वो छल लेकर चल रहा, कपट लेकर चल रहा। उसको मुक्ति चाहिए, उसलिए द्रव्य की दृष्टि कर रहा। मैं द्रव्य हूं इसलिए द्रव्य की दृष्टि नहीं करता, मैं शुद्ध हूं इसलिए द्रव्य की दृष्टि नहीं करता, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं इसलिए द्रव्य का लक्ष्य नहीं करता। ऐसा समझकर जो द्रव्य का लक्ष्य करता है, उसके परिणाम के अंदर में जो होना है वो होता है, वो परिणाम की योग्यता, मेरे कारण से नहीं, मैं परमात्मा हूं इस अभिप्राय से नहीं। पर्याय की अपनी योग्यता से शुद्धता उसमें प्रकट होती है, पर्याय की अपनी योग्यता से उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, श्रावकपना, मुनिपना, श्रेणी, केवल ज्ञान और मोक्ष दशा उसकी योग्यता से होती है, द्रव्य के कारण नहीं। क्योंकि द्रव्य तो अकारण परमात्मा है। अब जो द्रव्य अकारण परमात्मा है वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, वो मोक्ष मार्ग का कारण नहीं हो सकता, दुख के अभाव का कारण नहीं हो सकता, सुख प्रकट होने का कारण नहीं हो सकता। व्यवहार से कहा जाता है ये अवतारत नहीं का वचन है, व्यवहार नहीं का वचन है, आरोपित कथन है, उपचार की बात है। जब अनुभूति हुई तब दृष्टि कहाँ थी उसको बताने के लिए बात कही जाती है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो द्रव्य द्रव्य से, पर्याय पर्याय से, पर्याय और द्रव्य के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई सापेक्षता नहीं। अब पूरे द्रव्य का क्षेत्र एक हो तो प्रमाण से बहुत कुछ बात कही जाती है, लेकिन सामान्य विशेष रूप नहीं होता, सामान्य विशेष में नहीं आता, विशेष सामान्य में नहीं जाता, तो होता क्या है? कुछ भी तो नहीं होता। द्रव्य में क्या होता? कुछ नहीं होता। निगोद के अंदर में कुछ घटता नहीं, मोक्ष के अंदर में कुछ बढ़ता नहीं। बिगाड़ सुधार विनय की चीज परिपूर्ण रहती है। अब जो परिपूर्ण परमात्मा वो परिपूर्ण रहता है, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, बात इतनी सी है। अभेद परमात्मा हूं, एक परमात्मा हूं, अखंड परमात्मा हूं, परिपूर्ण परमात्मा, इतनी सी बात है।
इसलिए कहते हैं कि बंध और मोक्ष में भेद नहीं है, बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं है। देखिए बंध तथा मुक्ति में किसमें, बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं है। प्रभु आ बात समझवा जेवी छे, बात बहुज महत्वनी छे, बात टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट छे, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट छे। प्रभु जब तक तुझे बंध और मुक्ति में भेद दिखेगा तब तक भगवान आत्मा नहीं दिखेगा, ये बात ऐसी है। और जिसे भगवान आत्मा दिखेगा उसको बंध मुक्ति में भेद नहीं दिखेगा। एक और एक दो जैसी बात है, यदि मैं भगवान आत्मा हूं तो अभेद आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, तो बंध और मुक्ति मैं नहीं जानता क्या चीज होती है। मेरे को उसमें कोई भेद नहीं दिखते, दिखते ही नहीं कोई भेद। भेद है कि भेद नहीं है? अरे दिखते नहीं है तो फिर है कि नहीं है की बात कहां है? हम तो ये जानते हैं उसमें भेद नहीं है। अब नहीं है तो दिखते नहीं है, दिखते नहीं है तो ज्ञानी जन, तत्व रसिक जन, विज्ञान घन के रसीले जन, आसन भव्य जीव नहीं देखते है कि नहीं है? देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? कि भेद नहीं है उसलिए नहीं देखते। स्टेटमेंट अत्यंत अत्यंत स्पष्ट है। यह स्टेटमेंट समझ में आ गया तो जैन दर्शन समझ में आ गया, समझ लो इस बात। सारी प्रमाण की वस्तु व्यवस्था अपन ने समझी, सारी प्रमाण की वस्तु व्यवस्था, लेकिन हमने स्वभाव की व्यवस्था को नहीं समझा। मैं शुद्ध हूं क्यों? कर्मों से मुक्त हूं इसलिए शुद्ध हूं? वो तो चीज हो ही नहीं सकती। कर्म अत्यंत भिन्न द्रव्य, जड़ द्रव्य। कर्मों के अभाव में मुक्ति होती है, बात गलत है, झूठ है, व्यवहार नहीं का वचन है। झूठ को सत्य मानने की आदत पड़ी हुई है प्रभु। व्यवहार से तो है ना, व्यवहार से है माने कि ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है प्रभु, वैसा नहीं है तो उसको कहने के लिए व्यवहार से है। व्यवहार से है का मतलब क्या प्रभु? समझना तो होगा ना इस बात को। और कोई बात चलने वाली नहीं है, एक बात ही चल सकती है, दो बात नहीं चल सकती। मैं परमात्मा हूं ये भी बात सत्य, और बंध और मोक्ष में भेद है बात भी सत्य। ऐसा नहीं हो सकता, बंध और मुक्ति में भेद नहीं है, बस इतना सा स्टेटमेंट है। अपेक्षा से, द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नहीं से, निश्चय नहीं से, कोई चर्चा ही नहीं है। बंध भी पर्याय और मुक्ति भी पर्याय, भेद नहीं है। बंध की पर्याय में और मुक्ति की पर्याय में भेद नहीं है। क्यों नहीं है? कि दोनों एक समय की पर्याय है। मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, मैं अबद्ध स्पष्ट अनन्य विशेष संयुक्त, ऐसा सामान्य भगवान आत्मा, क्या महिमा की चीज है प्रभु? टंकोत्कीर्ण बात, टंकोत्कीर्ण, एकदम टंकोत्कीर्ण में टंकोत्कीर्ण बात, अत्यंत अप्रभावित वस्तु, अत्यंत 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 अप्रभावित भगवान आत्मा। तूने उसकी कभी महिमा ही नहीं की। तूने उसकी महिमा की तो द्रव्य दृष्टि प्रकट करने के लिए, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए द्रव्य को तूने विषय बनाया। क्यों बनाया? सम्यक दर्शन हो इसलिए। नहीं हो सकता सम्यक दर्शन इस तरह से। ये पर्याय का पक्ष, पर्याय का प्रेम, पर्याय की प्रीति, पर्याय का एकत्व, पर्याय का ममत्व, ये नहीं चल सकता इस मार्ग के अंदर में।
पर्याय की व्यवस्था की कोई मना नहीं है, पर्याय के अस्तित्व की कोई मना नहीं। तूने अपना अस्तित्व कहाँ रखा, नित्य में कि अनित्य में? बस अनित्य में रखा तो उसका नाम संसार, और नित्य में रखा तो ध्रुव 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 प्रभु। ध्रुव धाम तो ऐसा अद्भुत वस्तु है, ऐसा अलौकिक वस्तु है कि जो पुरुष उसमें जम गए सो जम गए, उसको संसार मोक्ष बंध मुक्ति आश्रव संवर बंध मोक्ष कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव में नहीं है। स्वभाव एक रूप, स्वभाव एक रूप, हूं एक, मैं एक, ज्ञान दर्शन चरित्र मैं एक, राग नति ज्ञान नति मैं एक, प्रभु ये वस्तु है। ज्ञाकार ज्ञानाकार मैं एक, क्या मैं एक? ज्ञायक 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 ज्ञाकार भी नहीं, ज्ञानाकार भी नहीं, ज्ञान और ज्ञायक भी नहीं, मात्र ज्ञायक। ऐसी वस्तु है अद्भुत, ऐसी वस्तु है अलौकिक प्रभु। इस वस्तु को देख प्रभु, देखिए एक बोल के अंदर में पूरा लबालब जैन दर्शन का हृदय भरा हुआ। हमने कभी इसको देखने का प्रयत्न ही नहीं किया, समझने की कोशिश ही नहीं की। द्रव्य दृष्टि प्रकाश का रोज स्वाध्याय करते हैं प्रभु, क्या करता तू? तू एक बोल का भी स्वाध्याय नहीं करता। यदि ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि बंध तथा मुक्ति में भेद नहीं है, क्योंकि कोई विविक्षा की बात नहीं, कोई नई की बात नहीं, कोई अपेक्षा की बात नहीं, बंध और मुक्ति में भेद नहीं। तत्व रसिक जन आसन भव्य जीव विज्ञान गण के रसीले जीव देखते नहीं, भेद को देखते नहीं। देखिए तत्व रसिक जन आसन भव्य विज्ञान गण के रसीले पुरुष बंध मोक्ष का भेद नहीं देखते, नहीं देखते भेद, क्योंकि अभेद को देखते हैं ना। अब अभेद को देखते हैं तो भेद को क्यों देखें? जो अभेद को देखते हैं वो भेद को क्यों देखें? अभेद में देखते अभेद में मस्त रह जाते हैं, लवलीन रह जाते हैं, जम जाते हैं, डीम हो जाते, घन हो जाते। मैं अभेद, एक रूप अभेद, एक रूप अखंड, एक रूप परिपूर्ण, ऐसी वस्तु है प्रभु। तूने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। एक 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 अहम एक को खलू शुद्ध, बस इतनी सी वस्तु है। मैं इतना वस्तु तो बाकी सब अवस्तु, अभेद वस्तु तो भेद अवस्तु, अखंड वस्तु तो खंड अवस्तु, अभेद अखंड एक सत बाकी सब असत। एक बार इकरार कर प्रभु, एक बार निर्णय कर, वक्त आया प्रभु इस निर्णय करने का। सुनहरी अवसर, सुनहरा काल, अद्भुत योग, अद्भुत युग, अद्भुत अवसर, ज्ञानियों की रमझट, तत्व की स्पष्टता चरम सीमा पे, चरम सीमा पे प्रभु। एक बार तू इस बात का निर्णय कर ले तो स्वभाव के अंदर में प्रवेश हो जाएगा। स्वभाव के अंदर में प्रवेश करने के लिए समय नहीं लगता प्रभु, क्योंकि तू है वस्तु स्वयं, प्रवेश करना भी नहीं है। मैं हूं, मैं हूं ऐसा विश्वास हुआ तो वही प्रवेश है, वही दृष्टि है, वही नजर है, वही लक्ष्य है। ऐसा जो हुआ उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए दृष्टि नहीं होती, लेकिन जैसा परमात्मा तत्व है ऐसी दृष्टि होते है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं।
सभी जीव स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा ही है। बंध और मुक्ति में भेद नहीं है। भव्य जीव आसन भव्य जीव गुरुदेव के संतान सारे इसमें भेद देखते नहीं है। परिपूर्ण परमात्मा की दृष्टि करते हुए परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास करते हुए ऐसा अखंड विश्वास करते हुए सभी जीव परमात्मा तत्व में रह जाए ऐसी मंगल भाव।